तो कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं डेली करंट क्विज पर। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपके ऑप्शन है बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, सर्बिया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों रोमानिया। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया? आपके ऑप्शन है उमा शंकर, मालविका सिन्हा, सुदर्शन सेन और आपका आखिरी ऑप्शन है नीरज निगम। तो इसका सही आंसर है नीरज निगम। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, निजी क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व को आगे बढ़ाने पर आधारित भारत का G20 एम्पावर 2023 किस राज्य में आयोजित होने वाला है? तो इसका सही आंसर है केरल। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह 2023 का विषय क्या है? आपके ऑप्शन है शिपिंग इंडिपेंसिबल टू द वर्ल्ड, दूसरा ऑप्शन है आपका अमृतकालीन शिपिंग, अगला है सस्टेनेबल शिपिंग और आपका चौथा ऑप्शन है इंडियन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अमृतकालीन शिपिंग, यानी कि बी ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, किस देश ने हाल ही में ओफेक 13 जासूसी उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया है? तो इसके ऑप्शन है आपके इजराइल, रूस, जापान, टर्की। तो इसका सही आंसर है दोस्तों इजराइल। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, किस सरकारी एजेंसी ने हाल ही में 1 अप्रैल 2023 को अपनी हीरक जयंती मनाई है? आपके ऑप्शन है केंद्रीय जांच ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और चौथा ऑप्शन है आपका आसूचना ब्यूरो। तो इसका सही आंसर है दोस्तों केंद्रीय जांच ब्यूरो, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल मरीन का कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है सी विजिल, सागर सेतु, सेल्फ 4C एम लॉजिस्टिक्स। तो आपके आपका सही आंसर है सागर सेतु। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में किस राज्य ने भारत में आई रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान। तो आपका सही आंसर है दोस्तों कर्नाटक। फिर अगला है, फोन पे द्वारा शुरू की गई नई ई कॉमर्स पहल का नाम क्या है? आपका पहला ऑप्शन है स्मार्ट शॉप ऐप, अगला है पिन कोड ऐप, सी ऑप्शन आपका कोबोट्स ऐप और डी ऑप्शन है आपका शॉपसी ऐप। तो इसका सही आंसर है आपका पिन कोड ऐप। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, FICCI महिला संगठन के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका ऑप्शन है जयंती डालमिया, सुधा शिव कुमार, पूनम महाजन, सुधा शिव कुमार। तो आपका आखिरी ऑप्शन है सही होगा सुधा शिव कुमार। आज के लिए बस इतना ही, आगे का मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।